व्यूअर्स, वेलकम टू बियास होममेड डिशेस। आज मैंने पकौड़ी बनाई है, बहुत क्रिस्पी और करारी बनी है। देखिए हमारी पकौड़ी बहुत क्रिस्पी है और इसका कलर भी बहुत अच्छा है। ये दाल के साथ, दाल चावल के साथ भी आप एंजॉय कर सकते हैं और शाम की चाय के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। ये दाल की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने दाल फ्राई की रेसिपी भी उस पर डाली है। चलिए मैं आपको अब सिखाती हूँ पकौड़ा बनाने की रेसिपी। पकौड़े बनाने के लिए हमें दो बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, उसे मैंने ऐसे खड़े में कट कर लिया है, आपको दिखाती हूँ। देखिए ये जो प्याज है मैंने इसे हाफ हाफ कर लिया है, ऊपर का और नीचे का हिस्सा अच्छे से कट कर लिया है और मैं इसे खड़े में ही स्लाइस करूँगी। बारीक बारीक स्लाइस करने पर ये ऐसे खड़े वाले हमारी प्याज अच्छे से खुली खुली बनेगी। देखिए कितनी खुली खुली है। अब इसमें मैं हमारे ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालूंगी। मैं पहले थोड़ा सा नमक डालूंगी, इसमें नमक बिल्कुल कम पड़ता है। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने हाफ टी स्पून लिया और थोड़ा सा अजवाइन को आप ऐसे क्रश करके डाल दीजिए उसमें। अगर आपको अजवाइन का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे जब तक इसका प्याज का सारा पानी ना निकल आए। देखिए हमें अच्छे से इसे मिलाना है ताकि इस प्याज का सारा पानी निकल जाए। अच्छे से ऐसे मस लेंगे तो इसका सारा पानी निकल आएगा। ये एक स्पेशल ट्रिक है, जो पकोड़े वगैरह बनाते हैं वो लोग ये ट्रिक यूज़ करते हैं, इसीलिए उनके पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं। हम इसी में आटा डाल देंगे तो इसका प्याज का पानी छूट जाएगा और वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे, बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। देखिए इसे एक दो मिनट तक अच्छे से ऐसे क्रश करते हुए हमें इसका सारा पानी निकाल लेना है। अब हम इसमें मिर्च डालेंगे और इसमें पुदीना डालेंगे हम। पुदीने का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारा, लगभग एक मुट्ठी पुदीना और करी पत्ता। करी पत्ता तो इसमें चाहिए ही चाहिए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए हम इसे अच्छे से ऐसे मिर्च और पुदीना करी पत्ता को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा प्याज का पानी भी छूट चुका है। हमें इसमें बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं डालना है। अगर बेकिंग सोडा डालेंगे तो अभी तो वो क्रिस्पी हो जाएंगे, फिर जब आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इसमें हम बेसन को डालेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, हमें बेसन इसमें बिल्कुल थोड़ा लगता है। ऐसे बाइंड करते जाएंगे और फिर चेक करेंगे, फिर और थोड़ा डालेंगे जब तक ये थिक ना हो जाए, और थोड़ा डालेंगे। जितना इसका प्याज का पानी छूटता है वो सारा पानी बेसन सोख ले, तब तक हमें आटा डालना है। हमारा ये जो प्याज वाला ये है वो अच्छे से टाइट होना चाहिए, तभी हमारे पकोड़े अच्छे से क्रिस्पी बनते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी होगा तो हमारे पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। देखिए और थोड़ा ये गीला है, इसमें और थोड़ा हम आटा डालेंगे और एक स्पून डाल लूँगी, फिर मिक्स करके चेक करूँगी। देखिए हमने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला है, ऐसे ही जितना भी हम आटा डालते गए हैं वो इसमें बाइंड होता गया है। देखिए बिल्कुल ये करेक्ट हो चुका है, ऐसे हम ऐसे लगाने से वो चौड़ा हो रहा है, ये करेक्ट कंसिस्टेंसी है उसकी। अब हम ऑयल को साइड में गरम के लिए रख लेंगे ताकि हम पकोड़े फ्राई करें। चलिए तो फ्राई करते हैं। मैंने कढ़ाई में ऑयल को डाल लिया है, वो अच्छे से गरम हो जाए तब मैं उसमें पकोड़े डालूँगी। इसे बहुत गरम नहीं करना है, मीडियम और हाई के बीच में ही रहना है। देखिए हमारा ऑयल अच्छे से गरम हो चुका है। अब मैं इसमें पकोड़ों को इस तरह से, देखिए इस तरह से चपटा करते हुए
कोई भी शेप का नहीं बनाऊंगी, ऐसे ही बस डालती जाऊंगी। ऐसे कर कर हमें सारे पकौड़ों को डालूंगी। बहुत ज़्यादा भी हमें एक साथ नहीं डालना है। और फ्लेम को मैं थोड़ा लो कर लूँगी। स्टार्टिंग में फ्लेम को लो ही रखना है, वरना हमारे पकौड़े जल जाएंगे। थोड़ा चम्मच को हिलाएंगे ताकि वो नीचे ना चिपके। देखिए मैं लो फ्लेम पर ही रखा है। बहुत गर्म नहीं होना चाहिए हमारा ऑयल। स्टार्टिंग में मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था, फिर मैंने फ्लेम को मीडियम कर लिया है। अब इसे पलटाऊंगी। देखिए मैंने सारे पकौड़ों को पलटा लिया है। थोड़ा सा फ्लेम को मैं हाई कर लूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत हाई नहीं करना है। अच्छे से हम फिराते रहेंगे। मैंने फ्लेम को मीडियम पर ही रखा है, हाई नहीं किया है। देखिए इसे पकने में थोड़ा वक्त लगता है। हम फास्ट इसे हाई फ्लेम पे तल देंगे तो ये क्रिस्पी नहीं होंगे। इसे हम दो बार भी फ्राई करते हैं, एक बार उसे कच्चा ही निकाल लेते हैं, दूसरी बार फिर उसे ठंडा कर फ्राई करते हैं। मैं सिर्फ एक ही बार तलूँगी, फिर भी वो बहुत क्रिस्पी बनेंगे इस मेथड से। देखिए हमारे अभी लाइट गोल्डन हो रहे हैं। देखिए और थोड़ा बाकी है, और थोड़ा इसमें कलर आना है। और थोड़ा कलर आएगा तो मैं उसे निकाल लूँगी। ज़्यादा डार्क करेंगे तो वो उतना टेस्टी नहीं लगेंगे। बस अभी मैं निकाल लूँगी। देखिए इतना हो जाए, बस हमारा पकौड़ा रेडी है। मैंने एक प्लेट में टिश्यू को रख लिया है और धीरे से इसे ऑयल को निकालते हुए प्लेट में निकाल लूँगी। फ्लेम को मैंने लो पे कर लिया है। अब ये सारे पकौड़ों को मैं निकाल लूँगी और इसे खुले खुले रखूँगी। मैंने सारे पकौड़ों को निकाल लिया है, मेरी फ्लेम लो पर ही है। अब मैं इसमें फिर आपको एक बार और एक बैच तल कर बताऊँगी। देखिए ऐसे चपटा करना है, हमें मोटा बिल्कुल नहीं रखना है। सिर्फ आप ऐसे भी डाल सकते हैं, देखिए ऐसे ऊपर से ऐसे ऐसे भी डाल सकते हैं। मैं इसलिए चपटा कर रही हूँ कि वो जल्दी से पक जाए। ऐसे भी आप डाल सकते हैं। ऐसा जब डालते हैं तो हाथ को थोड़ा सा ऊपर ही रखिए, ऑयल आपके हाथ पर ना लग जाए। बस इतने काफ़ी हैं, हमें एक्स्ट्रा नहीं डालना है उसमें। फ्लेम लो पर ही थी, अब मैं थोड़ा सा उसे हाई कर लूँगी। कुछ देर हो चुकी है हमारे पकौड़ों को डालकर। देखिए मैं इसे पलटा लूँगी। पलटा कर थोड़ा सा फ्लेम को मैंने हाई किया है। सारे पकौड़ों को मैं पलटा लूँगी। देखिए मैं इसे उलट पुलट करते हुए अच्छे से तल लूँगी। फर्स्ट बैच हमने कैसे तला था वैसे ही इसको भी तल लूँगी। ऐसे मैं चलाते रहूँगी। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। ऐसे हमें थोड़ा चलाते रहना है और बीच में हमें पलटाते भी रहना है ताकि एक साइड वो ज़्यादा ना ब्राउन हो जाए। देखिए अब ये हो चुके हैं, अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है,
मैं ऐसे ऑयल को थोड़ा सा निकालते हुए मैं ऐसे इस पर टिशू पे निकाल लूँगी। देखिए मैंने जो ऊपर से डाले थे वो छोटे छोटे बने हैं, जो मैंने चपटा कर कर डाला था वो ऐसे बने हैं। देखिए मैंने फ्लेम को ऑफ कर लिया है और ऑयल को थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी। फिर ये हरी मिर्च और करी पत्ता मैं उसमें तल कर निकाल लूंगी। ये हमारे पकौड़ों के साथ बहुत मज़ेदार लगते हैं। इसे तलने का कैसे तलते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। थोड़ा ऑयल ठंडा हो जाए तब मैं इसमें डालूंगी। अभी ये बहुत गर्म है, इसमें डालूंगी तो ये जल जाएंगे। थोड़ी देर रुकूंगी फिर डालूंगी। और एक बात मैं कहूंगी, इन मिर्चों को हमने ऐसे ही नहीं डालना है, इसे थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा होल करना है, वरना इसमें गैस भर जाएगी और ये फूट जाएगी, तेल उड़ जाएगा। इसे हमें सारी मिर्चों को नहीं डालना है, वरना इसे नीचे का ऐसे तोड़ लेना है। अब ऑयल ठंडा हो चुका है, उसमें ये कड़ी पत्ता और मिर्ची डालूंगी। देखिए अभी भी हमारा ऑयल कितना गर्म है। देखिए मैंने गैस को ऑफ कर लिया है, फिर भी ऑयल हमारा कितना गर्म है। इसको एक मिनट तक अच्छे से ऐसे ही ऑयल में रहने देंगे, फिर निकाल लेंगे। देखिए कड़ी पत्ता और मिर्ची हमारी हो चुकी है, अब मैं इन्हें भी निकाल लूँगी। मैंने गैस को ऑफ कर दिया था, उसी में मैंने इन्हें तला है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी आपको बनाने में दिक्कत हो तो मुझे कमेंट्स कर पूछ सकते हैं। मैंने इसके सारे इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू।